वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं दिव्यांश, मेरे चैनल फन विद दिव्यांश में आपको एक ऐप दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डायनासोर्स। तो और देरी ना करके चलिए देखते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग डायनासोर के बारे में बहुत चीज़ें जानने की बहुत ही आशा रखते हैं, पर कुछ बुक इतने महंगे होते हैं कि आप उनको खरीद ही नहीं पाते। तो उसके लिए एक हल है मेरे पास, और हल एक ऐप है जो यहाँ पर है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डायनासोर्स। ये रहा, लोडिंग हो रहा है, आ गया। अब बस 6 सेक्शंस है और इनमें से बस 3 ही मायने रखते हैं, जैसे कि व्हाट इज डायनासोर, डायनासोर एजेस एंड डायनासोर इंसाइक्लोपीडिया। व्हाट इज डायनासोर, यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर के पिक्चर और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, नियरली एक पैराग्राफ। उसके बाद डायनासोर एजेस, जैसे कि मेसोजोइक एरा, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और लास्ट में क्रेटेशियस पीरियड। अब चलिए डायनासोर इंसाइक्लोपीडिया को देखते हैं। यहाँ पर सारे डायनासोर के बारे में एक ब्रीफ नोट लिखा गया है। एबेलिसॉरस फैक्ट्स, इसका नेम का मीनिंग, पीरियड, फैमिली ग्रुप, डाइट, साइज और फॉसिल पहली बार कब फाउंड किया गया था, और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर भी ये थोड़ा सा बड़ा है उससे, और ऐसे करके बहुत सारे सारे बहुत सारे 62, 78, 86, 88, 100, 110, 124 और लास्ट में 140 डायनासोर्स के डिस्क्रिप्शन इसके अंदर है। और ये रहा हमारा सबसे मेन टायरानोसॉरस, इसके बारे में तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि टायरानोसॉरस सबसे ज़्यादा फॉसिल्स फाउंड किए गए हैं, इसलिए उनके बारे में पैलियोलॉजिस्ट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।